हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और अपना नया चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक ऑर्गन्स के बीच क्रियाशीलता बढ़ती है। दो या दो से अधिक ऑर्गन्स के बीच में क्रियाशीलता बढ़ती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। अच्छा, हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम मिलकर करते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पीएनएस का फुल फॉर्म है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अच्छा, सीएनएस में दो पार्ट को इंक्लूड करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो क्रेनियम बोन होती है, ये जो क्रेनियम बोन है वो आपस में मिलकर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और उसी बॉक्स के अंदर होता है ब्रेन, ठीक। और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसका अंदर वाला पार्ट खोखला होता है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसका अंदर वाला पार्ट खोखला होता है और इसी खोखले वाले पार्ट में होती है स्पाइनल कॉर्ड। इसी खोखले वाले पार्ट में क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। और हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, इंफॉर्मेशन का कंट्रोल और प्रोसेसिंग करने का काम करता है सीएनएस। कौन काम करता है? सीएनएस। और सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ पीएनएस। अच्छा, पीएनएस में दो प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं। पीएनएस में कितने प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं? दो प्रकार के, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर का एक और नाम है सेंसरी नर्व फाइबर और इफरेंट का भी एक और नाम है मोटर नर्व फाइबर। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से करते हैं? जो सेंसरी नर्व फाइबर है ये इंपल्स को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेकर जाएंगे। जो सेंसरी नर्व फाइबर है ये इंपल्स को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद मोटर नर्व फाइबर, ये जो मोटर नर्व फाइबर होते हैं ये इंपल्स को सीएनएस से लेकर जाते हैं ऑर्गन की तरफ। कहां पर लेकर जाएंगे? सीएनएस से ऑर्गन की तरफ। आप मान लो कि भाई आपके हाथ में कांटा चुभ गया, तो भाई कांटा चुभा तो आपको पता चलेगा कि भाई हाथ में कांटा चुभ गया, तो ये जो इंपल्स है ये कहां पर जाएगा? ब्रेन में। तो लेके जाने का काम कौन करेगा? सेंसरी नर्व फाइबर। अब आप वहां पर वापस हाथ हटा लेते हो, आपको यदि कांटा कटता है तो आप वापस हाथ हटाते हो, तो ये जो हटाने वाला इंपल्स है इसको वापस हाथ में लेकर कौन आ रहा है? सीएनएस से वापस हाथ, तो आपका हाथ क्या? ऑर्गन। तो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेके आने का काम कौन कर रहा है? मोटर नर्व फाइबर, ठीक।